अच्छा बच्चों ये बताओ देश में हिंदू विरोधी पार्टी कौन है? कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है? कैसे रे? ठीक है तो कह रहे सर, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पे हमारे गणेश जी को ही अरेस्ट करवा ली। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो अवैध मस्जिद अवैध मजार का तो विवाद चलिए रहा था, अब अवैध घुसपैठ की करवा ली। हिंदुओं के जमीन पे ही शांति समुदाय एक ही आधार कार्ड पे 35 को 40 को 45 को जाकर बिजनेस कर रहे लोग। मामला बताइए, अब हिंदू विरोधी नहीं कहे लोग तो क्या कहे? चलो आज आज कोचिंग बंद, कल पढ़ेगा, भागो, जाओ जाओ बंद जा रहे। समझा? नहीं तू नहीं समझा, मास्टरवा कांग्रेसी है। जय श्री राम मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आप ये वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद सबको। अस्सलाम वालेकुम। रमजान का महीने सबको मुबारक, एडवांस ईद मुबारक। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? बात तो सही है। तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर अख्तियार ही नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। मशीन पे काम न करो, ये भाई साहब है चंद पैसों के लिए कलावा खट से कट गया। सुपरवाइजर हिंदुओं का अपमान कैसे हो सकता भाई? कलावा कटा के हिंदुओं का अपमान किया जाएगा? हम हिंदू हैं यार, मशीन के अंदर काम नहीं करते हम लोग, बाहर काम कर रहे हैं। कलावा क्यों कटेगा हाथ का? सम्मान करते हैं हम, क्या कह रहे नहीं करेंगे, या फिर हमारा कोई ऐसा थोड़ी कि हम निकल रहे हैं। अपनी हिंदुओं का अपमान कर रही है कलावा कटा के? अपमान कर रही है नहीं कर रही हम वो नहीं कर सकते भाई, अंदर नहीं जा सकते। चार बात हम नहीं जाएंगे भाई साहब, जिस कंपनी में हिंदुओं का अपमान हो मैं नहीं काम करूंगा भाई साहब, मैं नहीं काम करूंगा, उसमें का हिंदू नहीं हूँ। जा का हरे भी पानी ऐसे दो रहे भिंडी के वीडियो बना ले ना मोनू के मां भेज दी ना। का नाम है? तुम्हें ऐसे जगह बढ़िया नहीं मिल रही। नाम बता दो नाम। खेती का पानी पाया भैया। अरे नाम बताओ पहले तुम अपन। ए नाम का है? नाम नौकाब है। एक बाल्टी नहीं रख सकते हो तो वहाँ धोने के लिए नल पर पानी, नल लगे हुए जगह जगह सरकारी। वहाँ कहाँ का है? बिना समझ में यही लोग मुँहते थे ढाड़ी के। अरे यूँ मुँहता था रात में तुम दिया खराब है तो पानी बन के आकाश है। 112 मिला के धंधे कराओ नहीं तो भाई डाल लिया कायम डाल लिया उन कैसे दुइयो। तुम पर आदमी विश्वास करिए सब्जी खरीद रहे हो है, तुम साले थुकियो मुतियो सब कुछ करियो है। बना के मोनू के माँ बैठा रहो, तुम पहले इन पर भरोसा करिए, को सब्जी यार खरीद रहो, अपनी जान से खेल ले लोग, जान से खेल ले। तुम तो बहुत दुइयो। अरे घर है तुम्हारे नल नहीं लगो ना ही दो एक टाइम मिलो। अरे पन्नी भर के पानी भर लेते हो 1 किलो सालन का, इनते सब्जी लेना गलत है। इत्तेफाकन मैं हिंदू घर में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुई, शायद जिन लोगों ने उमर को उन्हीं केसेस में और बाकी साथियों को मिलन को अधर को और बाकी लोगों को उन्हीं केसेस में अरेस्ट किया
उन्हें लगा कि शायद ये ज्यादा हो जाएगा। आप एक मुसलमान को आतंकवादी बता सकते हो, लेकिन शायद एक हिंदू एक्स नेवल ऑफिसर टीचर प्रोफेसर मदर की बेटी को आतंकवादी बनाना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। फागन राघव भी हाइब्रिड का खच्चर है, उसी प्रकार से पता नहीं है कौन सी गलती का नतीजा है। इत्तेफाकन तो उस दिन पैदा ही ना होती, कम्युनिस्ट माँ बाप की कम्युनिस्ट औलाद, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वालों का पक्ष लेना होता है। हाँ है उमर खालिद आतंकवादी, आज तक कौन से हिंदू ने लोगों के गले काटे हैं, प्यार का दिखावा करके लड़की को 35 टुकड़ों में काटा है, जाहिल औरत। नमस्कार दोस्तों, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं ध्रुव जैसे लड़कों को पेलता ही रहता हूँ। क्या करूँ, उसकी वाइफ देती ही नहीं, लेकिन ध्रुव राठी को पेलना बंद करना होगा, क्योंकि कुछ सूत्रों से हमें पता चला है कि उसे एड्स है। कांग्रेस की सरकार एक नंबर की है भाई। कैसे कैसे ये समझा? अरे कांग्रेस की सरकार होती 5-7 लाख रुपए हम देंगे, मुलाजिम होते। अच्छा, रिश्वत दे देते और नौकरी मिल जाती। कांग्रेस का ये सिस्टम अच्छा था। बीजेपी ने हमारे जमींदारों के लिए काम नहीं किया, हमारे बालक को लगाए। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। बीजेपी बोलती है कि पढ़ गया हो, अब पढ़े यार, पढ़ेंगे क्या, खेत में काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि रिश्वत नहीं चलेगी, सच में पढ़ना पड़ेगा। जो मैटर है भाई थोड़ा सा। गॉट इट। तो ये तो सिस्टम ही पलट दिया। अब सरकार पलट जाएगी। पलट रही है। और अमेरिका और इंडिया में आपको क्या फर्क लगता है, अब आप यहाँ रहे हो? सबसे ज्यादा फर्क ये है जी, यहाँ भेदभाव नहीं है, इंडिया में बहुत भेदभाव है पिछले कुछ सालों से। यहाँ जातिवाद नहीं है, यहाँ जातिवाद नहीं है। मैंने ये बात की है कि समय के साथ तब्दीली होनी चाहिए और समय के साथ रिफॉर्म्स जो है, जिसको कहते हैं सुधारीकरण, समय के साथ हर संगठन के अंदर होना चाहिए, हर ट्रस्ट के अंदर होना चाहिए और वक्फ बोर्ड भी उसमें, उसके अंदर भी होना चाहिए। दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट में और विरोध में जो आपने मेल्स किए थे, उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। 91% भारत वक्फ अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट में खड़ा है, वो चाहता है कि इस वक्फ बोर्ड को उखाड़ के फेंका जाए। सिर्फ और सिर्फ 8% लोगों ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट ईमेल किया था। हिंदुओं ने अब कमाल की एकता दिखानी शुरू कर दी है, इस वक्फ को उखाड़ फेंका जाएगा। बेचारा टकला पीएम बनने के चक्कर में सीएम भी ना रहा। बेचारी फातिमा हलाला के चक्कर में न ससुर छोड़े न जेठ। मुस्कान बाजी, तुम बहुत सुंदर हो, अपना बिना फिल्टर वाला और दिखाओ, एक बार चेहरा दिखाओ। मैं बिना फिल्टर के भी बहुत अच्छी लगती हूँ, ये मेरा बिना फिल्टर का वीडियो है। अरे भैया, तो देख लियो। इसराइल की आबादी केवल 1.5 करोड़ है और दुनिया के लगभग 200 करोड़ की आबादी वाले मुस्लिम कंट्रीज की नाक पर दम करके रखता है, क्योंकि इसराइल के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना है। वहां पर लोग जातियों में और धर्मों में बटे हुए नहीं है, उनको बस यह है कि हमें अपना एग्जिस्टेंस बचाना है तो बचाना है। और यही कारण है कि इसने लेबनान में जो किया पिछले 2-3 दिन में, उससे पूरी दुनिया हैरान है और लेबनान बेइज्जत महसूस कर रहा है। एक होता है किसी को युद्ध में हराना और एक होता है किसी को बेइज्जत करना। पहले तो इनके पेजर फाड़ दिए, पेजर जिनको कभी हैक नहीं किया जा सकता उसमें ब्लास्ट करा दिया, उसके बाद फिर इनके वॉकी टॉकी में एक्सप्लोजन कराया, उसके बाद फिर इनके सोलर पैनल में, इनके मोबाइल फोन्स में, इनके टेलीविजन में, रेडियो। यही नहीं, अभी और सुनिए, में इंटरकॉम्स में इनमें ब्लास्ट होने लगे अचानक। और इस समय लेबनान और सीरिया में इतनी दहशत है कि वो लोग अपने घर में कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं क्या पता ये फट जाए। इसे कहते हैं सामने वाले का मॉरल तोड़ना। और इसराइल कह रहा है कि हमारे पास तो अभी और प्लान्स हैं, आप देखो मैं आगे करता हूं क्या। और ये भी पता चला है कि इसराइल ये सारी प्लानिंग 6 महीने पहले कर चुका था, लेकिन उसने बाद के लिए छोड़ रखा था। उसने कहा पहले मैं अपने हथियारों से लड़ता हूं, देखता हूं कहां तक बात पहुंचती है, और जिस दिन वक्त आएगा उस दिन बता दूंगा कि इसराइल कहते किसे हैं। और आज रशिया भी हैरान है, रशिया खुद कह रहा है कि ये जो ब्लास्ट इस तरीके से हुए हैं इसको स्टडी करने के लिए हम अपनी टीम लेबनान में भेजेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसराइल कर क्या रहा है। इसे कहते हैं दमदारी से जीना, और ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनमें राष्ट्रवाद है। आपको सांस मिला, आप रिजवान अहमद को 30 सेकंड तो दे दीजिए। जो कह रही है कि देश रिग्रेसिव मोड में जा रहा है,
देश रिग्रेसिव मोड में 1975 में जा रहा था जब नीतीश कुमार की जॉर्ज फर्नांडिस की लालू प्रसाद यादव की मुलायम सिंह यादव की राजनीति में पैदाइश हुई थी और ये लोग आरएसएस के साथ ही जेल में थे जैसे पहले वक्ता बोल चुके हैं। और रही बात कि तब आरएसएस संविधान को नहीं मानती थी तो भैया तब तो समाजवाद भी कांग्रेस को नहीं मानता था, आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। हमारे देश की शिक्षा में यह स्थिति रही, अगर मैं किसी से पूछूं कि चोल वंश के 3 राजाओं का नाम बताओ तो शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा। यही नहीं अभी और सुनिए, मगर मुगल वंश के बताओ तो धड़ आदमी बता देता है, ये एक अंतर था। चोल क्या थे वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अगर हमारी उस जमाने की नेवी थी, सोचिए इंडोनेशिया से लेके कंबोडिया जावा सुमात्रा तक जो प्रभाव दिखता है चोल साम्राज्य का, और बहुत स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं जो इसीलिए कहा जाता है ये भारत के प्रतीक थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बार जाके देखिए चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, बगैर नींव के बना हुआ मंदिर, और उस मंदिर की खासियत यह है कि उसके ऊपर 80 टन का पत्थर रखा है। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो 80 टन को उतने ऊपर पहुंचा दे। आप इसको जानती होंगे, देश बहुत अच्छे से जानता है, देश का गद्दार है, इसका नाम है अफजल गुरु, ये देश का आतंकवादी है। अब मेरा सवाल ये है कि आज एक पपेट चीफ मिनिस्टर के रूप में अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी मालिना जी को चूज किया है। सवाल ये उठता है कि आतिशी मालिना जी का क्या स्टैंड है, क्योंकि आतिशी मालिना जी की जो माताश्री है वो उन लोगों में से थी जिन्होंने जो पिटीशन साइन करी थी कि अफजल गुरु को माफ, उसकी फांसी को माफ कर देना चाहिए, और उन्होंने ये तक कहा था अपनी पिटीशन के अंदर कि अगर अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को ये देश फांसी देगा तो ये न्याय का अपमान होगा। तो बात ये होती है कि क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो नॉमिनेटेड पपेट मुख्यमंत्री है उनका इस पे स्टैंड क्या है, और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कैसी सेंसिटिव फाइल्स जो होती है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नॉड की जरूरत होती है। तो ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है। अरविंद केजरीवाल जी ने 25 मई को दिल्ली की जनता के सामने कहा था कि अगर आप जब ये 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कि आप अगर मुझे वोट देंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं जेल जाऊंगा। दिल्ली की जनता ने 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर 7 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी। तो इसका मतलब ये हुआ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लॉजिक के हिसाब से दिल्ली की जनता उसके अरेस्ट को सही मानती है। बस हवा निकल गई। औरंगजेब का जो सिपे सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। आप देखिए, अब आपने सुधांशु जी के मुंह में हाथ डाला, जवाब मिलेगा। अभी बता दे। उसके दो कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है, जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी ट्रांसलेशन बाई जदुनाथ सरकार पेज नंबर 81 69, उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई पेज नंबर 84। अब आइए 2 सितंबर 1669, उसने आगे कहा उक्त की तामीर हो गई, मंदिर ढहा दिया गया पेज नंबर 88। और सुनो 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए पेज नंबर 95 96। अगर दान दक्षिणा और पूजा पाठ से खुश होकर के ईश्वर किसी के भी पापों को क्षमा कर देता है तो मैं मानता हूँ कि उससे बड़ा भ्रष्टाचारी और रिश्वत खोर कोई नहीं है। क्या सोच है रे तेरी? भगवान के मंदिर पे दान दक्षिणा पे ज्ञान भी वो लोग दे रहे हैं जो भंडारे की लाइन में कटोरा लेकर के सबसे आगे दिखाई देते हैं। राम राम। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। मुसाद ने एक ऐसा खेल खेला है कि लेबनान और सीरिया ये नहीं समझ पा रहे कि हम करें तो करें क्या। यहाँ पर जो इनकी फौज है हिजबुल्ला जो इसराइल से लड़ती है, इसको पैसा वैसा सब ईरान से मिलता है। हिजबुल्ला एक डिवाइस का यूज करते थे आपस में बातचीत करने के लिए, इन्होंने अपनी पूरी टीम को और कई सारे लोगों को यहाँ पर मोबाइल फोन की जगह एक डिवाइस दिया हुआ जिसका नाम पेजर डिवाइस है। पेजर आज से 30-40 साल पहले बहुत यूज होता था दुनिया में, मोबाइल की तरह यूज होता है। इसमें एक जगह से दूसरी जगह मैसेज और वॉइस नोट भेजे जाते हैं रेडियो सिग्नल का प्रयोग करके। इसको हैक नहीं किया जा सकता, इसमें वायरस नहीं डाला जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। तो इनको लगता था कि सब आपस में मैसेज भेज लेंगे, इसराइल पकड़ नहीं पाएगा। इसराइल ने इसी चीज पर अटैक किया है और लेबनान और सीरिया में हजारों लोगों के पेजर अचानक से विस्फोट करने लगे जिसकी वजह से कईयों की जान चली गई है, कईयों के अंग नष्ट हो गए हैं और कई लोग आखिरी सांसें ले रहे हैं। मोसाद ने पहले बस
हवा निकल गई। ये पता किया कि ये जो पेजर है ये बंदा कहाँ है, तो मुसाद को पता चला ये बंदा है ताइवान में, और ताइवान चाइना का दुश्मन है, यूएसए का और इजराइल का दोस्त है। तो ताइवान में जितने भी पेजर बंदे हैं, फिर पता किया इनमें से कौन से ऐसे हैं जो लेबनान आते हैं। जो लेबनान आते हैं उन पेजर्स में अपना अपना एक डिवाइस इन्होंने इंजेक्ट कर दिया, डाल दिया, और उस पर एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि अगर एक कोड भेजा जाए तो वो डिवाइस अपने आप गर्म होता है, फिर बैटरी को गर्म करता है, और बैटरी को इतना गर्म कर देता है कि उसमें फिर ब्लास्ट हो जाता है। और ये ब्लास्ट भी एकदम से नहीं होगा, पहले सायरन बजेगा इसमें 7-8 सेकंड तक, जिससे कि जब सायरन बजे तो आदमी निकाल करके देखे, और देख करके जब तक वो समझेगा एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। तो ब्लास्ट भी ऐसा होना चाहिए उसके चेहरे के पास। इस तरह से उसमें व्यवस्था की गई, और इस तरह से न जाने कितने लोग आज अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। पूरी दुनिया हैरान है, एक ऐसा डिवाइस जिसको ये सब मिलिटेंट यूज करते थे ताकि कभी पकड़े ना जाए, उसमें जाके विस्फोट हो रहा है। तो इजराइल तो कुछ भी कर सकता है।